प्रधानमंत्री जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कि भाई अपने अपने क्षेत्रों में जाए, चूँकि वो चार साल से क्षेत्र में गए नहीं हैं, खुद भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, उनको यहाँ भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए भेज दिया वसुंधरा राजे सिंधिया जी को, तो निश्चित रूप से हमें कोई बहुत विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि संगठन सशक्तिकरण में हमने पंचायत तक अपने पूरे कमेटी को बनाने का काम कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी होगी इसके लिए हम जानेंगे। हमारे साथ यहां पर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि अभी जो है क्या कुछ तैयारियाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। देखिए, हम लोग लगातार संगठन सशक्तिकरण को लेकर के अपनी कवायद जारी रखे हुए हैं, और आज से नहीं, पिछले 2 साल से लगातार जनता के बीच हैं, कार्यकर्ताओं के साथ हैं। तो ये जो लोग पहले कुछ नहीं कर रहे थे, वो अब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कि भाई अपने अपने क्षेत्रों में जाए, चूँकि वो 4 साल से क्षेत्र में गए नहीं हैं। तो इस निमित्त, और आप देख रहे हैं कितना नेताओं का अकाल पड़ा हुआ है, लगातार लोग बयान में तो बने रहते हैं लेकिन मैदान में कहीं दिखाई नहीं देते। अंततः केंद्रीय नेतृत्व को, जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, उनको यहाँ भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए भेज दिया वसुंधरा राजे सिंधिया जी को। तो जो लोग नई तैयारी कर रहे थे वो तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच रहते हैं, सिर्फ चुनाव ही जीतना मकसद नहीं होना चाहिए। हम सेवा परमो धर्म वाले लोग हैं। हम लोग जब भी कोई केंद्र की बात हो, राज्य की बात हो, जब भी कोई मसला आया तो हम लोग लगातार सड़क पर रहे हैं। इसलिए लोग जानते हैं कि ये लोग अपनी लड़ाई, आपकी लड़ाई लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से हमें कोई बहुत विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि संगठन सशक्तिकरण में हमने पंचायत तक अपने पूरे कमेटी को बनाने का काम कर लिया है, उसमें लगभग 50,000 लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। तो 50,000 एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और 50,000 अगर पदाधिकारी हमारे हैं तो वो अच्छे से चुनाव को लड़ने के में सक्षम होंगे। बीजेपी पार्टी की बात करें तो जनसंपर्क अभियान, महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, उसी को लेकर के आज जो हैं विधायक प्रयागराज के पहुंचे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन कार्बन कॉपी हैं, जो जहां एक ओर ममता बनर्जी अपने भतीजे के लिए सब कुछ कर रही हैं, उन्हें फ़ायदा पहुँच रहा है, तो यहाँ पर हेमंत सोरेन अपने परिवार को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह अपने पिताजी के बारे में बताएँ और अपने बारे में बताएं, और उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं वो दुनिया जानती है, और किस का कितना खामियाजा भुगतना पड़ा है वो खुद जानते हैं। पूर्व मंत्री हो गए मंत्री से, तो ये समझने की बात है। तो हम समझते हैं इस तरह की बातें ना करके जो जनसंपर्क करने आए हैं, जो जनता से वो कट गए हैं, जनता से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जनता से जुड़ने आए हैं, मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं, इसलिए नहीं भेजा है पार्टी ने उनको, पार्टी ने भेजा जनता से संपर्क कीजिए। तो आप केवल फिर वही बयानबाजी, बयान में रहेंगे, मैदान में नहीं रहेंगे। आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कह दिया भाई भ्रष्टाचार चरम पर है, और बाकी सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, और किस तरह का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के नेता को आकर के यहाँ तो कहना ही नहीं चाहिए जो बेटियों का वहाँ हाल है। ब्रजभूषण सिंह सांसद हैं, उनके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? इतनी ताकत नहीं है कि अगर आप सवाल पूछ देंगे तो उसके बारे में एक लाइन बोल पाए, डरते हैं लोग। और यहाँ आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी जी के बारे में बात करेंगे अपने बारे में, अरे पहलवान बेटियों के बारे में बात करिए तो लोग समझेंगे कि हाँ ये जनसंपर्क करने आए हैं। सिर्फ आरोप लगा देने मात्र से कुछ होता नहीं है। सर, इससे हटकर एक सवाल है कि क्या अभी कुछ कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में कुछ उनके परफॉर्मेंस को लेकर फेरबदल की बातें जो है वो आ रही हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए, इस तरह की बातें चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। हर 3 महीने पे इस तरह के गॉसिप चलाए जाते हैं, वो चाहे मंत्री के मामले की बात हो, अध्यक्ष की बात हो, ये चलता रहता है। पार्टी क्रियाशील पार्टी है, सभी तरह के लोग हैं, और हमने चौथे स्तंभ को इतना मजबूत किया है कि चौथा स्तंभ लगातार हमसे सवाल पूछता है। अरे, भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी का कार्यकाल पूरा हो गया तो उसे हटाया नहीं जाता है, तो कोई नहीं पूछता सवाल। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक बात है, जिंदा लोग हैं, जिंदा पार्टी है, और आप लोगों का संपर्क सभी लोगों से अच्छा होता है, तो उसमें कई तरह की बातें चलती रहती है, चलते भी रहना चाहिए, उससे कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि अभी जो काम चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और हमारे मंत्रीगण जिस तरह से काम कर रहे हैं,
तो हम नहीं समझते कि अभी कोई ऐसे बदलाव की बात है। हाँ ये है कि इस तरह की अटकलें लगातार लगाई जाती रही है, लगाई जाती रहेगी। जनता दरबार की बात हुई थी, कांग्रेस भवन में ही जनता दरबार और अन्य जिलों में भी जनता दरबार जो है कांग्रेस कोटे के मंत्री होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं आज, काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन जनता। नहीं देखिए, ये बात सही है कि हमने उस जिस तरह से चाहा था उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन अब आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में सभी जगहों पे कहा गया है समाधान पेटी लगाने को, और उसमें समस्या आप अपना बताइए और उसको हम लोग समाधान करेंगे। ये बात सही है कि जितना हम चाहते थे उतना शायद नहीं हो पाया होगा, लेकिन ये भी बात सही है कि तमाम जिलों में मंत्रीगण दौरा करते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे मंत्रीगण जिलों में जा कर के प्रवास करते हैं, मिलते हैं लोगों से और जन समस्याओं से लगातार रूबरू होते हैं। 20 सूत्री के माध्यम से अभी बहुत चीज़ें होने लगी है, पहले 20 सूत्री की बैठक नहीं होती थी, उसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने मंत्रीगण से कहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 सूत्री की बैठक करें, ताकि जो उसमें जन समस्याएँ आती है, जो सामूहिक समस्याएँ आती है, इंडिविजुअल तो किसी किसी की कुछ कुछ बातें रहती है, लेकिन जो सामूहिक समस्याएँ आती है उसका निदान हो सके। आखिरी सवाल ये रहेगा कि सर कि क्या जो लोकसभा चुनाव को लेकर के आप लोग की क्या रणनीति तय हो रही है, क्या आप लोग भी कुछ ऐसा अभियान चलाने जा रहे हैं? देखिए हम लोग लगातार जनता के संपर्क में हैं और सिर्फ बयान दे करके हम कोई उसमें बहुत भूचाल नहीं लाना चाहते हैं। हम लगातार आपने देखा होगा प्रभारी अभी पूरे 25 जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उसका दौरा किया, सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, मैं खुद जा रहा हूँ, अभी तक 10 जिला घूम के आ गए हैं, 10 जिलों में जा कर के जो बैठक होती है जिला कांग्रेस कमेटी की उसको उसमें भाग लिया है। तो हम समझते हैं जमीनी स्तर पर काम हो रहा है और जमीनी स्तर पर जब संगठन मजबूत होगा तभी हम लोग सारी चीज़ें को कवायद कर पाएंगे, तभी हम अपने गठबंधन में भी जो हमारे साथी खड़े होंगे उनको मदद कर पाएंगे। तो हम लोग पूरे राज्य में अपने उसमें लगे हुए हैं। हाँ ये ठीक है कि जो प्रोपेगेंडा है सिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी कर रहा था उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो खुद राजस्थान में जिनको चुनाव में होना चाहिए तो उनके चेहरे से लोग घबराते हैं कि राजस्थान में जैसे ही खड़ा करेंगे तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति कहलाएंगी, तो इसलिए उनको राजस्थान से झारखंड भेज दिया। तो इस तरह की कवायद वो करते रहेंगे, उसमें कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग बहुत गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं 2024 को लेकर के। हमने तमाम तरह के जो और लोकसभा बाइज किस तरह से संगठन काम करेगा उस पर भी हमारी चर्चा हुई है हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी से, और उसका भी एक खाका तैयार किया हुआ है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि जमीनी हकीकत जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के संपर्क में हैं। सहयोगी विजय सिंह के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।